अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व करना से न्यूमेरिकल सारो तो क्वेश्चन नंबर 5 चे तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 100 वोल्ट इफ अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन पॉइंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हाँ चवे तो सिंपल तो पोटेंशियल डिफरेंस आ 100 वोल्ट है जडे तो उन मजा अननोन माना चार्ज का मूव करे थी वर्क डन उते थी तो 500 जूल तो मालूम करनी है तो अननोन चार्ज कितनी है कितरा कूलम थी। ठीक है वो मालूम करनी है तो उन मालूम करने के लिए अपन क्या करना डेटा लिखना सी डेटा के अंदर वोल्टेज जो मिलल है 100 वोल्ट मिलल है जडे तो वर्क डन मिलल है 500 जूल लिख। ठीक है हाँ रुका चाहे पा खबर है रुका मजा चार्ज है फार्मूलो कड़ो लगन पा खबर है वोल्टेज जो फार्मूलो वर्क पर यूनिट चार्ज यो लगे तो छो छो जो पा खबर है वर्क डन मिलल है वोल्टेज मिलल है इनमें चार्ज पा इजीली मालूम कर सकूँ तो पे रीअरेंज क्या ये तो डिवाइड पे होता चाह कह मल्टीप्लाई आ वोल्टेज जिते मल्टीप्लाई पे होता चाह कह डिवाइड कौन यानी रीअरेंज कर कुछ इन तरह से थी हाँ चाह कह सॉल्यूशन के अंदर इन ही फार्मूले अंदर पुट कहसी तो चार्ज सागे सागे वर्क वर्क कितो मिलल है वो पा डेटा के अंदर डिवाइड डिवाइड कर पुट कयासी वोल्टेज कितो मिलल है 100 वोल्ट ये डिवाइड कहसी हाँ चाह कह डबल जीरो से कैंसिल बाकी बचो मथे पंज वर्क यूनिट है जोल ए वोल्टेज यूनिट है जोल पर कूलम जोल जोल से कैंसिल डबल डिवाइड भी थे मथे हलो मल्टीप्लाई थोड़ा तो ये जवाब अच्छी हलो बुक वो पर इनके तरीकेकार से कुछ इन तरह से लिखासी रिजल्ट क्यू इज इक्वल टू 5 जोल 5 कूलम तो रिजल्ट में कुछ इन तरह से लिखा क्यू इज इक्वल 6 जो न्यूमेरिकल सोल्व कहसी तो क्वेश्चन नंबर 6 जो न्यूमेरिकल जी डेटा चवे पो अचे तो डेटा ठाईंदी डेटा चे तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी पान के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना जडे तक कैपेसिटर मिलो यो है 4 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड या कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज हाँ सिंपल चवे तो कनेक्शन कड़ा हूँ पा वो कैपेसिटर पैरेलल हों सीरीज हों हाँ चे तो टे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड पान के टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना तो डेटा लिखासी डेटा के अंदर पा खबर है टे कैपेसिटर मिलिया हुआ 4 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड ए 2 माइक्रोफेराड कनेक्टेड एंड सीरीज सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन हों जो एंड टू एंड कनेक्टेड हुए बैटरी से यानी चाहो कैपेसिटर इतने खत्म थी उतना का ही बो कैपेसिटर शुरू थे तो इन कनेक्शन के चब एंड टू एंड कनेक्टेड हूँ बैटरी से। ठीक है हाँ इन तरह से 4 3 4 3 2 कैपेसिटर मिलिया हुआ हाँ रुकायर है रुकायर पा खबर है जो मिलल है वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस पा मालूम करना है कैपेसिटेंस फार्मूलो कड़ो लगे तो पा खबर है सीरीज वो जो फार्मूलो है वह 1/ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या 1/ टोटल कैपेसिटेंस इक्वल 1/ C1 प्लस 1/ C2 प्लस 1/ C3 यानी जितना कैपेसिटर मिलन हों वो सीरीज में कुछ इन तरह से पे हलो इतने टे कैपेसिटर इन कर 1/ C ती छो है ब कैपेसिटर हुआ तो 1/ C2 ती हो हाँ सॉल्यूशन के अंदर पा चाह कहसी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर में पुट कहसी C1 पा कितो मिलल है 4 C2 कितो मिलल है 3 C1 कितो मिल C3 कितो मिलल है 2 माइक्रोफेराड हाँ कहसी इनके एलसीएम वासी हाँ एलसीएम वे बतरीका तो डायरेक्ट जो सो हि मेथड इस्तेमाल कर सको इन तरह से एलसीएम वो 3 4 3 4 जो पर जो मुख्य ईजी लगे तो जनरल मेथड जो है वो कुछ इन तरह से कहसी यानी कहसी वही लाइन पाइंदी पैं इन बिन जो एलसीएम वासी इन बिन जो वासी पे फिलहाल जो 1/2 सागे में रखो है सेम जो सेम इतने में रखो है। ठीक है हाँ इन बिन जो एलसीएम वासी इन बिन जो एलसीएम वे तरीको वही लाइन पाइंदी हे पा में कहसी जर्ब जर्ब कहसी तो कहसी 3 के 4 से जर्ब कहसी तो 3 4 से 12 अची वो कहसी हे पा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर छासी हि इन से मल्टीप्लाई थो इन से मल्टीप्लाई 3 1 से 3 4 1 से 4। ठीक है अच्छा माइक्रो जो सिंबल जो बाद में हटाए छो बाद में वे आंसर से गुड लिखी छोड़ फिलहाल तुम जो सो इतने सिंप्लीफाई में वही थोड़ा मुश्किल इन साइड से रखा एंड में वही माइक्रो रखी क्लियर है हाँ इन जो इनके एड कर वासी 4 3 + 4 केतरा थे 7 / 12 हाँ 1/2 सागे सागे हाँ इन बिन जो एलसीएम वासी छो पे 3 मजा हाँ बी जाए बिन जो एलसीएम वो ही सागे मेथड इन वही लाइन पाइंदी लाइन वही पाए कहसी इनके पा में जर्ब कहसी 2 के 12 से जर्ब कहसी 24 इंदा तो हि इन से जर्ब थो हि इन से मल्टीप्लाई थो क्रॉस वो 2 के 7 से जर्ब कहसी 14 1 के 12 से जर्ब कहसी 12 जोड़ कहसी 14 / 12 केतरा थी 26 / 24 24 सागे सागे हाँ इतने जवाब पा मिल 1/ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/ इन 1/ के रेसिप्रोकर कहसी यानी सी मथे हलो वो तो ये वैल्यू उबती थी वही तो 24 मथे हलिया वह 26 हेठ हलिया वह। ठीक है हाँ इनके जैसे वंड कहसी डिवाइड कहसी 24 के 26 से वंड कहसी जवाब 0.9
0.9 ऐं माइक्रोफेराड जेको तव्हां पाण छॾियो हुओ गॾु ॾेई छॾियो माइक्रोफेराड। हाणे हीअ थी हली पंहिंजी रिज़ल्ट, ऐं रिज़ल्ट में कुझु हिन तरह से लिखंदा आहियूं, रिज़ल्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केतिरो बराबरि आहे 0.9 माइक्रोफेराड। अच्छा हीउ थियो जवाबु हेसी ताईं, पर जेकॾहिं एम सी क्यूज़ में साॻी सुवालु अची वञे आहे पाण जो, हीउ सॼो सुवालु जेको सो एम सी क्यूज़ में अची वञे आहे, त पोइ इन जी ट्रिक मां ॿुधाईंदो रहां त इनखे सोल्व करण जी ट्रिक कहिड़ी आहे, त बजाए तव्हां हेॾी वॾी कैलकुलेशन करण जे तव्हां हितां डायरेक्ट हितां जवाबु सिलेक्ट करे सघो था पिया। उहो कीअं करे सघो था पिया? जॾहिं तव्हां ॾिसो हिन कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हुजनि ऐं उहो तव्हांजो नंढे में नंढो कैपेसिटर केतिरो आहे, उहो केतिरो आहे 2 माइक्रोफेराड जो, ऐं इहो 2 नंढे में नंढो माइक्रोफेराड आहे कनेक्टेड इन सीरीज़ में, त जवाबु हमेशह इन खां बि नंढो ईंदो। त ऑप्शन में जेकॾहिं मिसाल 2 खां नंढो को बि ऑप्शन आहे त उहो डायरेक्ट करे छॾियो बजाए सॉल्यूशन सॉल्व करियो, त उहो ई जवाबु ईंदो। हाणे ॾिसो पंहिंजो हिते जवाबु छा हो, हिते पंहिंजो नंढे में नंढो कैपेसिटर आहे 2 माइक्रोफेराड, ऐं पाण जो जवाबु आयो आहे 0.9 माइक्रोफेराड, यानी इक्विवेलेंट टू 1 कैपेसिटेंस या 1 माइक्रो कैपेसिटेंस जो आहे। ठीकु आहे, उन राउंड ऑफ कंदासीं त डायरेक्ट पंहिंजो इहो जवाबु अची वियो।